जल्द ही जयपुर शहर में स्थित अंतर्राज्यीय सिंधी कैंप बस अड्डे को आबादी से दूर शिफ्ट किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से नए बस अड्डे को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह बस अड्डा आबादी से दूर अजमेर रोड पर बनाया जाएगा। 42,000 स्क्वायर फीट का बनाए जाने वाले इस बस अड्डे को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग और यातायात विभाग की ओर से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिस पर जेडीए ने अपनी मुहर लगा दी है। ब्लूप्रिंट में बस अड्डे पर तमाम सुविधाओं के साथ एटीएम, बैंक, कियोस्क, दुकानें और रेवेन्यू से संसाधन विकसित किए जाने का मॉडल भी तैयार किया गया है। वहीं नए बस अड्डे को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग और यातायात पुलिस के बीच मीटिंग आयोजित हुई है। मीटिंग के बाद दोनों विभाग के आला अधिकारी नए बस अड्डे को लेकर अजमेर रोड पहुंचे। इस दौरान नए बस अड्डे की जमीन का मौका मुआयना करते हुए निरीक्षण किया। डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिद्धू की माने तो वर्तमान में सिंधी कैंप बस अड्डे के कारण सबसे ज्यादा यातायात का दबाव का सामना करना पड़ता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, जेडीए के ऑफिसर्स और ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स ने आज ज्वाइंट विजिट करी थी। जो नया बस अड्डा आगामी दिनों में बिल्डअप किया जाएगा उसकी फील्ड विजिट थी। उसमें कुछ एक दो इश्यूज थे, उनको हमको देखना था। कहाँ से एंट्री रहेगी, कहाँ से एग्जिट रहेगी, क्या उसका मॉडल मैप रहेगा, उसको हमने फील्ड विजिट आज करके उसको फाइनलाइज किया है। आगामी आने वाले दिनों में जो पेपर वर्क है उसको कंप्लीट करके हम चाहेंगे कि फाइल जल्दी प्रोसेस हो, ताकि शहरवासियों को एक नया बस अड्डा जल्दी मिल पाए। देखिए, जमीन इसमें जेडीए ने आवंटन कर दी है। अब इसके अंदर जो इसका डिटेल्ड मैप है उसके मार्फत उसको एनालिसिस करते हुए कौन सी रोड से एंट्री एग्जिट रहेगी उसको फाइनलाइज करते हुए इसमें एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए।